नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ रहा है। इस बीच शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा, भारत को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी को इस हद तक बढ़ावा नहीं दिया जा सकता कि वो हिंसा भड़काने के लिए इस्तेमाल होने लगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयशंकर ने कहा, हमारे मिशंस पर स्मोक बॉम्ब फेंके जाते हैं, डिप्लोमेट्स को धमकाया जाता है और उनके खिलाफ जगह जगह पोस्टर लगाए जाते हैं। क्या ये आम बात है? अब ये भारत के खिलाफ हुआ है। अगर किसी और देश के खिलाफ किया गया होता तब भी क्या इस मामले को इतना ही सामान्य समझा जाता? कनाडा में जो कुछ भी हुआ वो कोई छोटी या आम बात नहीं है। जयशंकर ने सवाल पूछते हुए कहा, अगर किसी और की एम्बेसी और लोगों पर हमले हो रहे होते तो वो कैसे रिएक्ट करते? हम बताना चाहते हैं कि हमारे दरवाजे बंद नहीं हैं। अगर किसी के पास कोई ठोस जानकारी है तो आप उसे साझा करें, हम इस पर बात करने के लिए तैयार हैं। विदेश मंत्री ने आगे कहा, वियना कन्वेंशन के तहत यह देश का फर्ज है कि वो अपने यहाँ रह रहे राजदूतों को काम करने के लिए सुरक्षित माहौल दें। ये मामला द्विपक्षीय नहीं बल्कि नियम और कानून का है। अभी भी जो बिलबोर्ड लगाए गए हैं, धमकियां दी गई हैं या जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो कनाडा में हैं, भारत में ये माहौल नहीं है, इसलिए उन्हें इस पर सही कार्रवाई करनी चाहिए। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।